हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स लॉ का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले लिखा है मेंशन द मेजर डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रायर टू जीएसटी, यानी जीएसटी से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसका जो नेचर था, मेजर डिफेक्ट्स थे वो क्या क्या थे। यहाँ पे चलिए एक एक करके लिखता हूँ। मैं आपको टोटल 8 डिफेक्ट्स दिखाऊंगा, डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट 8 मेजर डिफेक्ट्स इन द टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया प्रायर टू जीएसटी आर। सबसे पहले देखिए डिफेक्ट 1, हाई रेट एंड लो यील्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, इन इंडिया कोमा एज इन अदर एलडीसीज द रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज एनकरेज्ड टैक्स इन्वेशन एंड अवॉइडेंस ऑन ए लार्ज स्केल। दूसरा डिफेक्ट देखिए, डिफेक्ट नंबर 2, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स। ऑल्दो द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज द हाईएस्ट इन इंडिया, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सच इज वेरी लो। टैक्स इवेजन सीम्स टू बी प्राइमरी रीजन। अनदर रीजन इज द हाई एग्जम्पशन लिमिट इन ए कंट्री व्हेयर पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। इन इंडिया कोमा द एक्सेप्शन लिमिट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट द लेवल्स ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम्स हैव फेल्ड टू इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। डिफेक्ट नंबर 3 देखिए, डबल टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स। मोर ओवर ड्यू टू डबल टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड द रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन हैज फेल्ड टू इंक्रीज एप्रिसिएबली। कंपनीज मे कॉर्पोरेट एंड अदर टैक्सेस सच एज एक्सेस प्रॉफिट टैक्स और सर टैक्स टू द गवर्नमेंट। ए पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ए पोर्शन ऑफ सच डिविडेंड इनकम इज अगेन टैक्स्ड अवे इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। उसके बाद देखिए चौथा देखिए, डिफेक्ट नंबर 4, एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। अनदर फीचर ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम इज दैट देयर इज नो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इज द डोमिनेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज टू इंडियाज जीडीपी वाज 29.3% इन 1992-2000। प्लैंड इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, बट एग्रीकल्चर हैज फेल्ड टू मेक एनी कंट्रीब्यूशन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू। सिंस एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ द agricultural income tax system at the central level has not been possible. This is another reason for undue reliance on indirect taxes. ठीक है, तो आज के वीडियो में 4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और 4 जो बाकी के डिफेक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, अगर आपको ये सारे के सारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली मैं वेरी रीजनेबल रेट में, इतने सस्ते वैल्यूएशन में आपको इतने बेहतरीन नोट्स कोई भी नहीं देगा। मैं आपको सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बस मुझे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।